तरीके से बनाया गया है और इसमें मज़ीद इसमें तोसी कर रहे हैं। ये आप देखें, ये रोड बनाएंगे और फिर इसके साथ साथ इसके किनारे पे बिल्डर्स काम करके इस बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना दूर दराज से आने वाले लोग यहाँ पे सैर व तफरी करेंगे। और ये जो है ना सामने सैफ मॉल है, इसके बराबर ये खलाफा है, खलाफा जो कि बहरीन का सेंटर है। और इसके साथ साथ ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सामने जो एरिया है ये कहलाता है जुफैर, जो कि जितने भी मल्टीनेशनल लोग हैं वो यहाँ पर आकर रहते हैं। और ये सामने सदीम का ग्राउंड है और साथ में ये मैं आपको सामने बताने जा रहा हूँ, ये स्ट्रेट ये जो बैक साइड पे ये मुहर्रक कहलाता है और इसके बैक साइड पे एयरपोर्ट है। तो ये सी वी यू मैं आपको बताने जा रहा था। तो ये जो है ना बहरीन का एक दिलकश मनाजर है, शाम को लोग आते हैं यहाँ पर जो है ना पिकनिक करते हैं, पार्टीज़ बनाते हैं। तो व्यूअर्स बताने चाहूँगा कि बहरीन के अंदर किस तरीके से मकाम भी बताऊँगा कि किस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है और कौन कौन सा बिजनेस ओरिजिनल अपने कर सकता है, जो कि स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है, जो कि इधर आके इन्वेस्टर के अपने नाम पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसके लिए किसी भी बहरीनी की ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद डिटेल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना चलूँगा। व्यूअर्स अब तक के लिए खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद बताता चलूँगा। अल्लाह हाफिज़।